अच्छा सर, आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को। सर रोनात गांव है, शमशेर नाम है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसान गोट फार्म, पहले भी अपनी वीडियो आई हुई है, अच्छा काम चल रहा है भाई साहब। सर पहले हम आए थे, बिल्कुल आप शायद नए नए थे। बिल्कुल नए थे भाई साहब, हाँ बिल्कुल शुरुआत के अंदर हुए थे भाई साहब। उसके बाद के अंदर आपने मतलब ऐसी तगड़ी बकरियां आपने खरीदी। हाँ जी भाई जी। तो एक हर व्यक्ति के मतलब शुरुआत में ऐसा होता है टाइम के मतलब की, और फिर भी आपने गलती वगैरह तो नहीं करी ना भाई साहब। उन्हीं बकरियों से हैवी बकरी और ब्रीडर खरीदा, उन्हीं से बच्चा बच्ची तैयार करे और फार्म को बढ़ाया और फिर इसी लाइन पे चल पड़े, चाहे कम रख लें अच्छी क्वालिटी की रखें। तो क्या क्या फेस करनी पड़ी आपको शुरुआत के अंदर? और अभी देखो एक रियलिटी होती है, एक होती है कि मतलब एक कल्पनाएं होती है या एक अपनी प्लानिंग होती है, एक होती है रियलिटी। तो उस दोनों में क्या आपको ज़्यादा परेशानी हुई है? मतलब परेशानी आई मतलब आपके लिए भाई साहब? देखो नौकर की भी आई, खुद ने काम किया और फिर ये भी सोचा कि ये काम शुरू कर रहे हैं तो अच्छे लेवल पे ही करें। टॉप के ब्रीडर बकरियां देखो शुरुआत के अंदर तो नहीं होता भाई साहब, नॉलेज होगी उसके बाद अपन है अच्छी क्वालिटी ब्रीड लाइन पे ही काम करना शुरू कर दिया। एक लॉट सोजत का भी लेके आए, बीटल भी रखी है अपने और सिरोही गुजरी तो है ही भाई साहब। एक्सपीरियंस से खुद का एक्सपीरियंस है भाई साहब। अच्छा, तो एक्सपीरियंस तो चलो सर ठीक है हो जाता है, पर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम भी आती है इसके अंदर। जरूर नहीं है कि जिसके पास नॉलेज है उसके पास मतलब पैसा भी हो, फाइनेंशियल भी हो ना। हाँ हाँ, तो भाई साहब परेशान है इसके अंदर में, वो इन्हीं से पैसे कमा के भाई साहब। अच्छा, फिर काम को बढ़ाया है। इन ब्रीडर अच्छा रख लिया, बच्चा बच्ची हो गए तैयार, फिर कुछ लॉट सेल कर दिया अच्छी क्वालिटी की ले आए, फिर उनके अंदर जो बकरियों में प्रॉफिट होता था उतना बच्चा बच्ची में होने लगे भाई साहब। अच्छा, हैवी बकरियों के क्या है, पहले ही बुक करते हैं एक जोड़ा दो बकरियों के बच्चा बच्ची मेरे को देना, पांच के देना, पहले से ही ऑर्डर पे ही काम होने लग गया भगवानी दया से। अच्छा, तो इसके लिए तो आपको मतलब एक क्वालिटी पे काम करना होता है। क्वालिटी पे भाई साहब, जिस बंदे को आप दे रहे हो उसको सर्विस भी देनी होती है। तो जो नया बंदा लेके जाता है, जो नया बंदा लेके जाता है तो उसको क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है शुरू के अंदर? शुरू के अंदर होता है भाई साहब, देखो एक तो हरियाणा के अंदर ये है नहीं, जो फार्म खोल रहे हैं उनके परिवार में भी नहीं रखी होगी, बड़े बुजुर्गों ने भी कभी, नए पशु हो गए, क्या खाएंगे, क्या वैक्सीन की सिस्टम है। अब तो हरियाणा में भाई साहब ज्यादा खुल रहे फार्म और एक दूसरे की मदद कर देते हैं, नहीं यही नहीं पता था भाई क्या वैक्सीन है या बीमारी आ गई किसके अंदर ना आई है और इसको क्या खिलाएं भाई ये अच्छी ग्रोथ करे। अच्छा, तो ये एक दूसरे की हेल्प होएगी भाई साहब। अब नए फार्म खुल रहे हैं उनको हम बता देते हैं हमारा एक्सपीरियंस हो गया। तो कुछ हो जाता मतलब जैसे फार्मिंग आप हेल्प कर देते हो बकरियों को? हाँ हाँ, इधर से मिल जाती है, अपने पास से भी बोल देते हैं भाई अच्छी क्वालिटी ले लो चाहे कम ले लो। देखो मेहनत उतनी ही करनी भाई साहब, चाहे देसी भी रख लें चाहे ब्रीड की रख लें, चारा भी उतना ही खाएगी, मेहनत भी उतनी करनी है, लेकिन आमदनी का बहुत ज्यादा फर्क भाई साहब। एक आती है समस्या इसके अंदर, सबसे ज्यादा समस्या आती है खरीदने के अंदर है ना, सबसे कहां से खरीदे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कई लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि मतलब यूट्यूब पे देखा और तो कई खरीद ली कहीं से मार्केट से या मंडी से या ट्रेडर में फंस गए, तो उनको बकरियां ऐसी मिल जाती है मतलब की। और एक ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल ट्रेडर ही करते हैं, कोई भी कह सकता है, या कि उसके बूढ़ी बकरियां हो गई या कटिंग वाली बकरियां हो गई वो उनको दे देते जो नए फार्मर होते हैं। ये फार्म बंद होने का कारण है भाई साहब ना, तो ये इन समस्याओं से बचने के लिए मतलब क्या सावधानी रखे जो नए आ रहे हैं? क्योंकि एक देखो उनकी उनके सपने होते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सारी योजनाएं होती है, फिर जो सारे सपने एक धराशायी हो जाते हैं, एक किसी की ठग लेते हैं मतलब, तो वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उससे निजात पाने के लिए आप कुछ क्या सजेशन देना चाहोगे भाई साहब? देखो आपने यूट्यूब पर देख लिया और फार्म करने की सोच ली, फिर सोचते हैं बकरियां कहाँ मिलेगी अपने को, आपके नियर बाय जो भी फार्म है उनसे मिलो भाई कौन सी नस्ल अच्छी है और कहाँ से खरीदे हम या तेरे पास है, इसी बचाव के कारण भाई साहब फार्म फेल होते हैं। शुरुआत के अंदर ज्यादा रेंज की बकरियां ले ली, बीमारी वाली ले ली या तौल के हिसाब से ले ली या बूढ़ी बकरियां ले ली या बीमारी आई हुई ले ली, ये हेल्प पूरी करते हैं भाई साहब। अपने पास माल तो आप दे देते हैं या बोलते हैं फार्मर की हेल्प करते हैं भाई साहब, इनके लिए चारा लौंग पत्ती होगी, वैक्सीन होगी,
तो मंगवा देते हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा। और टाइम हो तो साथ में चल के बता भी देते हैं, ये बकरियाँ यहाँ मिलती है राजस्थान में अजमेर साइड से, और इनके अंदर क्वालिटी है, ये ले लो। तो नया फार्मर की हेल्प करते हैं भाई साहब, फीस लेते हैं साथ में जाने की, ऐसे नहीं भाई साहब, लेकिन फीस तो निकाल के देते हैं भाई अगले को। बूढ़ी बीमारी की बकरियाँ आ गई। सर मैं एक ये पर्सनली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो ट्रेडर से लेते हैं ना, तो उसे क्या बेनिफिट ज़्यादा देते हैं वो, या उन्हें फंसते क्यों हैं मतलब, या एक जो फार्मर होते हैं उनसे क्यों लेना पसंद, मतलब इतना क्या चीज़ होती है कि फार्मर से नहीं लेके वो ट्रेडर से लेना ज़्यादा वो करते हैं, मतलब उसमें फंस जाते हैं, या चीज लो मान लो, या मतलब कोई भी चीज़ मान लो कि उनके पास अधिकतर ऐसा क्या होता है कि मतलब ट्रेडर में फंस जाते हैं जाके। होता है भाई साहब, देखो नया आदमी को जानकारी तो नहीं होती ना भाई, ये बकरी 15,000 की है, 80,000 की, सस्ती देते, क्वालिटी नहीं होती भाई साहब। अच्छा अच्छा, क्वालिटी वाली चीज के पैसे लेते हैं और अड़की चीज देते भाई साहब। जी जी जी। और फार्मर से लोगे तो थोड़ी क्वालिटी बढ़िया आएगी, फार्मर से लोगे ना भाई साहब, देखो दो पैसे फालतू लगेंगे ना, माल क्वालिटी का मिलेगा, वैक्सीन हुई मिलेगी, ये फायदा है भाई साहब। चीजें स्थानीय होगा तो कहीं भी आप बोल सकते हो उसको कि भाई यार ये क्या चीज दिया आपने, या कोई भी है, बिल्कुल है ना। और एक अनजान आदमी को तो बार बार कह ही नहीं सकते भाई साहब, राजस्थान से बकरी ले आते हैं 500-600 किलोमीटर दूर है, प्रेग्नेंट कह के दे दिए, एक बकरी खाली निकल गई तो दोबारा कैसे लेके जाएंगे, 15,000 तो किराया हो गया भाई साहब, 15 पहले लग रहा है। हाँ जी भाई, ये 4 साल के हो गए भाई साहब। 4 साल, अभी कितना क्या है प्लानिंग आपकी? प्लानिंग भाई साहब, 2 जगह फार्म है अपना, 50 बकरियाँ एक जगह है और 100+ एक जगह है, तो अब एक नया फार्म और बनाया है रोहतक के अंदर, हाई लेवल का फार्म ही बनाया भाई साहब, डबल स्टोरी का। अच्छा सर, देखो जल्दी से जल्दी आपका विजिट करने की इच्छा भी है। हाँ जी, विजिट करेंगे आपका फार्म भी, और दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को कि मतलब एक छोटे से छोटे लेवल से शुरुआत, बिल्कुल 20 बकरियों से शुरुआत करी थी भाई साहब, 20 बकरी से करके आपने, वो भी पार्टनरशिप के अंदर भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो पार्टनरशिप अभी नहीं है क्या? है अब भाई साहब, दूसरे फार्म पे है। अच्छा, पार्टनरशिप है, हाँ, घरवाला अपना खुद का ही है, और वो तो अच्छी बड़ी साइड बनाई भाई साहब। अच्छा अच्छा, 30x110 गज की है, और 2 साइड है, एक डबल स्टोरी के अंदर बनाई है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अच्छा माल डालेंगे उसके अंदर। बिल्कुल सर, आपको बुलाएंगे उधर, विजिट कराएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। धन्यवाद भाई साहब।